See, before starting any practical in computer graphics and multimedia, there are some basic things which you have to learn. Okay. Just for an example, we make a graph. Is my white screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So we make a graph. क्योंकि हम अभी तक यही बात कर रहे हैं कि graphics means graph, graph means x axis and y axis. Yes, we are talking about this from last 1-2 days. एक दो दिन में हमने यही सीखा है. तो यदि ये हमारा graph paper है, तो this is our 0-0, isn't it? Yes, ma'am. Or no? Yes, ma'am. And you know that as we proceed in x direction. As we proceed in x direction, value of x increases from 0 and it reaches to maximum value. Yes or no? Yes, ma'am. Here is 0. As you proceed in upward direction, value of y increase continuously as you move up and it reaches to y maximum. Clear hai? Yes. बट कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रखेंगे. कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा. इफ दिस इज माय कंप्यूटर स्क्रीन, मैं सामने हूँ और मेरी स्क्रीन सामने है, तो जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज ऑलवेज 0.0. ग्राफ से जस्ट अपोजिट ग्राफ में होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, isn't it? या एल भी बोल सकते हो, लेफ्ट बॉटम जो रहता है वो 0.0 रहता है, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो टॉप लेफ्ट रहता है वो हमेशा 0.0 रहता है. मतलब एज यू मूव इन एक्स डायरेक्शन, कंसेप्ट सेम रहेगा कि जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हो, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती जा रही है, बट जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वाई की डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है वाई की वैल्यू दैट विल बिकम मैक्सिमम. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. इज इट ओके टू यू? यस मैम. आप बस एक चीज ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर का जो 0.0 होता है, कंप्यूटर में जो स्क्रीन होती है उसका जो 0.0 होता है, इट इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. इट इज नॉट जस्ट लाइक ग्राफ. प्लीज डोंट कंसिडर इट एज बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो है कंप्यूटर का 0.0 होता है. हाँ. हाँ, उसको छोड़ दो. वो ईआरपी में वो नहीं देखना जो मैंने दिया है, उसी को मानना है. वो जस्ट वाइवा के लिए. हाँ, ठीक है. तो ये यहाँ पर आपका ऐसा होगा. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. देखो, अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप बहुत पहले से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो. कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो वैल्यू होती है, आगे वाली हमेशा होती है एक्स की वैल्यू और पीछे वाली होती है हमेशा वाई की वैल्यू. ये तो पता है ना आप सबको? अभी आपको बताया कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर कंटिन्यूअस बढ़ रही है, तो जब मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी, मतलब मैं जब इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट पॉइंट, तो इस लास्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है? x.0. हाँ, लास्ट पॉइंट में कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? x0. हाँ बेटा, x.0 मैक्सिमम, यही बोल रहा है x.0. पर अभी मैंने बताया x की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना मैम, x मैक्स होगा ना मैम, x मैक्स जिसको ये चीज समझ में आ गई उसको प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी. तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स मैक्स कॉमा जीरो. चलो, अब अपन सिमिलरली ये वाला पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं. नीचे वाला टॉप सॉरी यहाँ पर x की क्या रहेगी? 0, क्योंकि अभी x जो है बढ़ना शुरू नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में ही है. और ऊपर जो y की वैल्यू थी वो क्या थी? 0. लेकिन नीचे आते आते y की वैल्यू मैक्सिमम क्या पहुंच गई? y ऑफ मैक्स. यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, y मैक्स.
क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है लेकिन x जो है वो शुरू में ही है, लेफ्ट में ही है, अभी आगे नहीं बढ़ा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए x की वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। ठीक, अब मैं यदि इस लास्ट पॉइंट की बात करूं इस कॉर्नर की, तो यहाँ पर क्या होगा, x max y max, x max कॉमा y max, वेरी गुड। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई मतलब आपको CGMM का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, आयुषी को बोल देना है ना, बहुत अच्छे से मतलब आपको CGMM का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है यदि ये चीज है तो, ठीक है, तो आपको ये वाली, अब ये जो नहीं जिनको समझ में है उनके लिए मैं समझा रही हूँ। देखो आप यहाँ पर जीरो थे x की वैल्यू, आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो इस पॉइंट पे x क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, इसलिए यहाँ पर आपने लिखा x max। वैसे सिमिलरली यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या थी, जीरो, लेकिन आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और y की वैल्यू यहाँ पर आके क्या हो गई, मैक्सिमम, इसलिए ये वाला पॉइंट जो होगा दैट इज एक्स मैक्सिमम कॉमा वाई मैक्सिमम। अब देखो जिसको याद नहीं रहता है, जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में नहीं आया, उनके लिए एक बार फिर बता देती हूँ। इस पूरी लाइन में है ना, थोड़ा सा गॉच पॉच हो गया है, फिर से मैं एक बार क्लियर ड्राइंग कर देती हूँ। चलिए, यदि मेरी ये स्क्रीन है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, मेरी स्क्रीन का जो लेफ्ट साइड है ये काम में आने वाला है थर्ड यूनिट में भी, इसलिए ध्यान में रखो, मेरी स्क्रीन का जो लेफ्ट साइड है इसमें एक्स हमेशा क्या रहेगा आपका, जीरो। मेरी स्क्रीन का जो टॉप है यहाँ पर वाई हमेशा रहेगा जीरो। मेरी स्क्रीन का जो लेफ्ट है यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा रहेगी एक्स मैक्स। और मेरी स्क्रीन का जो बॉटम है यहाँ पर वाई हमेशा रहेगा वाई मैक्स। इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे, y max इसका मतलब बता सकता है, मतलब इस पूरे थ्रू आउट, इस पूरे आप इस पूरी कॉलम में मतलब इस पूरे जगह पे आप कहीं भी चले जाओ x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो। इस पूरे पे आप कहीं भी चले जाओ y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो। यहाँ पर इस पे किसी भी पॉइंट पर आ जाओ हमेशा x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, मैक्सिमम। y की वैल्यू वेरिंग रहेगी, y की वैल्यू तो जीरो से लेके y max तक बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू तो बढ़ती रहेगी, लेकिन x max यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम, मैक्सिमम रहेगा। और वैसे सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या है, कंटिन्यूअस बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती रही है, क्या रहेगा y की max है, यस मैम, यस। ये चीज जिसको समझ में आ गई उसके लिए प्रैक्टिकल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं अभी पहले बता देती हूँ आपको, वो समझा देती हूँ जो अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में करने वाले हैं C++ के थ्रू। हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो लाइन का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। हम एक लाइन बनाएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर और वो जो लाइन बनेगी दैट विल बी योर डायगोनल लाइन लाइक दिस, मतलब वो लाइन बनाएंगे हम इस 0,0 से। मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप लोगों के लिए अब समझना बहुत आसान है। वो लाइन बनेगी 0,0 से x max comma y max, yes, y max तक। क्यों बनेगी वो लाइन ऐसी, क्योंकि उसमें मैं input, तो याद रखिएगा जब भी आप किसी लाइन की बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में तो लाइन नीड्स ऑलवेज फोर कोऑर्डिनेट्स। लाइन को बनाने के लिए हमेशा आपको चार कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। पहला कोऑर्डिनेट तो ये वाला जिसको हम बोलेंगे x1, y1। हमेशा याद रखिए x आगे आएगा y पीछे आएगा। उसके बाद हमें जो दूसरा कोऑर्डिनेट है मतलब लाइन शुरू कहाँ से करनी है, मतलब ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, और लाइन एंड कहाँ करनी है ये आपका हो जाएगा एंडिंग कोऑर्डिनेट। तो एंडिंग कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे दैट इज डिनोटेड बाय x2, y2। मतलब लाइन जब भी आप बनाओगे तो आपको चार कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इनपुट करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी लाइन नहीं बनेगी। x1, y1, 2x2, y2। आपको न्यूमेरिकल भी आएगा यदि थ्योरी में, जब मैं सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगी वहां से आपके न्यूमेरिकल शुरू होंगे और ये प्रैक्टिकल भी वहीं से शुरू होगा, तो आपको न्यूमेरिकल ऐसे आएगा ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 6,6 to 12,12। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो 6,6 लेना पड़ेगा और आपका जो एंडिंग पॉइंट रहेगा 12,12,12। जब तक आपकी वैल्यू नहीं आ जाती तब तक आपका न्यूमेरिकल आपको परफॉर्म करते रहना है। तो क्यों करते रहना है,
क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है या आपका एंडिंग पॉइंट है, लाइन बनाने के लिए आपको ये बीच के जो पिक्सल्स हैं, ये बीच के पिक्सल्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ताकि इन सब कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे, इनको जोड़ कर आप एक लाइन बना सको. बात आ रही है समझ में? हु इज डूइंग दिस नॉनसेंस? मैं पूरी क्लास में प्रैक्टिकली बंद कर दूंगी. नहीं पढ़ना है बिल्कुल लैब में मत आओ, मैसेज कर देना, अटेंडेंस दे दूंगी मैं. येलो लाइन जिसने ही बनाई है आप रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज मैं लेक्चर ही बंद कर दूंगी, मैं पढ़ाऊंगी नहीं किसी को भी. जो भी सीआर है समझा ले अपने क्लासमेट्स को, है ना, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. मैम वो साइड में नाम लिखा हुआ आ जाएगा मैम जो कर रहा है. कहां पर नाम लिखा हुआ आता है? मिटा लो, मैंने नाम देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी, मैं सच बता रही हूँ, है ना. मैम आप सेटिंग में जाके एक ऑप्शन रहता है उसे ऑन कर लो, तो जो भी बनाएगा उसका नाम आ जाएगा. आ गया है, थैंक यू जिसने भी नाम भेजा है, मेरे पास नाम आ गया है, अभी निपटती हूँ मैं लेक्चर के बाद. चलिए लिव इट. यस मैम. तो ठीक है, ये हो गया है. अब अपना इस तरह से आपका जो है वो लाइन बन जाएगी. ठीक है, चलिए लेट्स क्लियर दिस ऑल, है ना. अब अपन आते हैं अपने प्रैक्टिकल पर. C++ विजिबल है आपको? यस मैम. यस मैम. चलिए यहाँ पर अब आपका प्रोग्राम जो है अपन शुरू करेंगे, ध्यान से देखेंगे. ठीक है, चलिए. आपको जब भी C++ में प्रोग्रामिंग शुरू करना है, अभी मैंने ज्यादा देखो आपको कॉन्सेप्ट तो बताए नहीं है, हमारे ज्यादा लेक्चर भी नहीं हुए हैं, तो आपको एक मैं आसान तरीका अभी बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा करना आसान हो जाएगा. आप सबसे पहले तो C++ के हेल्प में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट F1, सबको पता ही है शॉर्टकट होता है हेल्प में जाने का. इसके बाद आपको यहाँ पर हेल्प में जाने के बाद लाइन पे क्लिक करना है, मतलब आपको लाइन टाइप करना है. यहाँ पर दो लाइन आपको दिख रही है, एक ऑल कैप्स में एक स्मॉल कैप्स में. आपको स्मॉल कैप्स वाली लाइन को सिलेक्ट करना है. ठीक है, और जब भी आप हेल्प में जाते हो तो आपको पता है उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाती है. तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ रहेगा लाइन का, दिख रहा है आपको लाइन एग्जांपल, मैंने हाईलाइट करके रखा है. उस लाइन एग्जांपल को आपको क्या करना है, उस लाइन एग्जांपल को आपको सिलेक्ट करना है. मैं इस लाइन एग्जांपल को कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल इंसर्ट एंड देन शिफ्ट इंसर्ट. ठीक, पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ. लाइन A1 A2, ठीक है, दोनों बैच है ना आज कंबाइन. चलिए, तो इस तरह से आपका ये बन गया. अब इसमें एक चीज है, जस्ट वेट, हाँ मैं पहले अपनी सेटिंग्स हटा दूं फिर आपको समझाऊंगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा. चलिए, अभी मैंने ये प्रोग्राम जो है वो रेडीमेड लिया है, राइट, दिस इज अ रेडीमेड प्रोग्राम. अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ, इस प्रोग्राम को कंपाइल किया. ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करने में जीरो एरर आई है, कोई भी एरर नहीं आई है. ठीक है, अब क्या करती हूँ मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी रेडीमेड प्रोग्राम लिया है. पर जब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया तो इसमें लिंकिंग एरर आ रही है, मतलब इसमें 9 एरर आ रही है, और सारी एरर जो है वो लिंकिंग की है. सेम चीज आप आपके घर पे भी करोगे तो आपको लिंकिंग की एरर जो है वो आएगी. क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप graphics.h
जब भी आप ग्राफिक्स डॉट एच इंक्लूड करते हैं, मतलब आप ग्राफिक्स को जब भी यूज करना चाहते हैं तो आपको सी प्लस प्लस में कुछ सेटिंग करना रहती है जो आपने पहले शायद कभी नहीं की होगी. तो वो सेटिंग आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे मेरी लैब में और जो मैं बता रही हूँ वो नोट डाउन करेंगे. अदरवाइज आप घर पे जब करेंगे तो आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा. क्योंकि कल B1 B2 को मैंने बताया था दो अभी लास्ट वीक में, तो उन लोगों के मुझे पर्सनल पे मैसेज आ रहे थे मैडम आपने क्या सेटिंग बताई थी फिर से बता दो, क्योंकि स्टूडेंट भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है. तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और बिल्कुल नोट डाउन करके रखे, राइट. तो देखो पहली सेटिंग जो आपको करनी है वो क्या करनी है, अभी मैं इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सब बाद में समझाऊंगी, अभी सिर्फ सेटिंग करना है. एटलीस्ट हमारा प्रोग्राम रन हो जाए मैं आपको इतना बता रही हूँ. तो इनिट ग्राफ जो आपने ये इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्राफ किया है, ठीक है, वहां पर आपने ग्राफ को इनिशियलाइज किया है तो वहां पर डबल कोट्स बने हुए, उस डबल कोट्स पे आपको लिखना है सी, मतलब सी ड्राइव में आपका टीसी सेव है, तो सी डबल ब्लैक स्लैश टीसी डबल ब्लैक स्लैश बीजीआई. अभी तक आप जो सुनते हैं वो बिन सुनते हैं, ठीक है, पर अभी हमने यहाँ पर लिखा है बीजीआई. बीजीआई का मतलब होता है बाइनरी ग्राफिक्स इनपुट, हम ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ पर बिन का नहीं देकर आपको बीजीआई का पाथ देना है. मतलब सबसे पहला आपको ग्राफिक्स के प्रोग्राम यदि अपने घर पर किसी भी कंप्यूटर में चलाना है तो वहां पर सबसे पहली सेटिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, सी टी सी बीजीआई, मतलब आपको पाथ सेट करना पड़ेगा कि सी में टर्बो सी, टर्बो सी के अंदर बीजीआई जो फोल्डर है उसको हम यूज करने वाले हैं. जो दूसरी सेटिंग आपको करनी है, आप ऑप्शन में जाएंगे, लिंकर में जाएंगे, फिर से बता रही हूँ, ऑप्शन में जाएंगे, लिंकर में जाएंगे और लिंकर के बाद लाइब्रेरी में जाएंगे, मतलब OLL ऑप्शन लिंकर लाइब्रेरी. और यहाँ पर एक ग्राफिक्स लाइब्रेरी है जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि हर उसमें ग्राफिक्स में लाइब्रेरी होती है. तो इस ग्राफिक्स लाइब्रेरी अभी ऑफ है, देखो वहां पर एक्स नहीं लिखा हुआ है, आपको इसको क्लिक करना है तो वहां पर एक्स आ जाएगा, मतलब आपने ग्राफिक्स लाइब्रेरी को ऑन कर दिया है और यहाँ पर ओके बटन को आपको प्रेस कर देना है. ऑप्शन OLL ऑप्शन लिंकर लाइब्रेरी, ऑप्शन लिंकर लाइब्रेरी, ग्राफिक लाइब्रेरी जो यहाँ पर क्लोज थी इसको आपको ओपन करना है और ओके बटन को प्रेस करना है. लास्ट सेटिंग नंबर 3, ऑप्शन डायरेक्टरीज. यहाँ पर डायरेक्टरी में आउटपुट डायरेक्टरी और सोर्स डायरेक्टरी जो है वो निल है, यहाँ पर भी आप वही पाथ दे देंगे सी टी सी बी जी आई, बस यहाँ पर डबल बैक स्लैश नहीं लगेगा, सिंगल स्लैश लगेगा, इतना ध्यान रखेंगे. चलिए सी टी सी बी जी आई, सी टी सी बी जी आई आपको ये करके यहाँ पर ओके कर देना है. अब अगेन मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ, नो एरर. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, मेरी लाइन जो है वो बन गई है डायगोनल फ्रॉम 0,0 टू एक्स मैक्स कॉमा वाई मैक्स. क्लियर है आपको ये चीज? यस मैम. हमने कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि ऑलरेडी रेडीमेड प्रोग्राम लिया था, हमेशा आप ऐसा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहां पर पाथ देंगे सी टी सी बी जी आई, फिर उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, लिंकर में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और आप अपनी ग्राफिक्स लाइब्रेरी जो क्लोज रहती है उसको क्लिक करके ओपन कर देंगे और ओके बटन को प्रेस कर देंगे. और लास्ट में ऑप्शन में जाके, लिंकर में नहीं जाना है, ऑप्शन में जाके डायरेक्टरीज में जाना है और यहाँ पर जो आउटपुट डायरेक्टरी और सोर्स डायरेक्टरी है वहाँ पर सी कॉलन टी सी कॉलन बी जी आई, मतलब स्लैश बी जी आई आपको मेंशन करना है. ये 3 सेटिंग इसकी है तो आपका जो प्रोग्राम है इट विल बी रन सक्सेसफुली. अब हम ये देखते हैं कि प्रोग्राम में डायगोनल लाइन क्यों बनी. अभी हमने प्रोग्राम को तो समझा ही नहीं, अभी तो सेटिंग करी अभी हमने, है ना, अभी हमने प्रोग्राम को तो बिल्कुल भी समझा ही नहीं है, अभी हमने सिर्फ सेटिंग करी है. तो लेट्स सी. चलो अब मुझसे कोई पूछ रहा है टी सी मीन्स, टी सी मीन्स टर्बो, सबको पता ही है ना टर्बो सी. Yes, ma'am. हाँ, सबको पता है टर्बो सी, उसको टीसी बोलते हैं. सी मतलब सी ड्राइव में है और बिन फोल्डर होता है. सी ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर होते हैं ना, बिन होता है, बीजीआई होता है, अलग अलग फोल्डर, इंक्लूड फोल्डर होता है जहां पर सारी डॉट एच फाइल रहती है. तो आपको बीजीआई फोल्डर को एम्फेसिस करना है, ठीक है. चलिए वेरी गुड, अच्छा है, क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए तो लगता है कि आप ध्यान से सुन भी रहे हो और ठीक है आपको नहीं आता है तो यू मस्ट ऑलवेज आस्क. चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें
लिखा क्यों, लाइन कैसे बन गई, हमने ऐसा क्या कर दिया कि इसमें लाइन बन गई। हम अभी प्रोग्राम हमने रेडीमेड लिया था, हम प्रोग्राम को समझते हैं, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया, जब भी आप कोई ग्राफिक्स के प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो graphics.h इंक्लूड करना कंपलसरी है। आप graphics.h आपने इंक्लूड कर दी, आपने stdlib लाइब्रेरी यूज की है, देन stdio इनपुट आउटपुट यूज की है, conio.h aconio.h आपने यूज की, ये सब फाइल्स के बारे में आपको पता है क्योंकि C++ आपके कॉन्सेप्ट है। अब आपने यहाँ पर एक g ड्राइवर नाम का एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर लिया है, और डिटेक्ट gmod एरर कोड ये सारे ऑलरेडी सब कुछ लाइब्रेरी में डिफाइंड है, आपको इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये डिटेक्ट gmod एरर कोड मैं आपको एक नॉर्मल उसमें समझा दूं कि डिटेक्ट का मतलब होता है, जैसे अभी हमने ग्राफिक्स चलाया बट सेटिंग नहीं थी, लाइब्रेरी ऑन नहीं थी, तो उसने आपको आउटपुट दिया क्या, नहीं दिया, प्रोग्राम सही था उसके बाद भी उसने आपको आउटपुट नहीं दिया, तो इस तरह से आपको डिटेक्ट मतलब वो चेक करेगा कि वेदर आपकी ग्राफिक्स करेक्ट है या नहीं, सब कुछ आप सही यूज कर रहे हो कि नहीं, आपका जो मोड है वो मोड ऑन है कि नहीं ग्राफिक का, जी मोड उसको बोलते हैं। एरर कोड, एरर कोड मतलब आपने कोई भी एरर पाथ वगैरह जो है आपने सब कुछ सेट करा है या नहीं करा है, इसलिए हमने सब कुछ कर दिया। फिर आपने दो वेरिएबल अगेन लिए, एक्समैक्स वाईमैक्स। मैंने आपको ये वेरिएबल अभी ऑलरेडी व्हाइट स्क्रीन पे बता दिए कि एक्समैक्स क्या होता है, वाईमैक्स क्या होता है। एक्समैक्स का मतलब होता है कि हम जब एक्स डायरेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेते तो हम उसको एक्समैक्स कंसिडर करके चलते हैं, जब हम वाई डायरेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते तो हम उसको वाईमैक्स कंसिडर करके चलते हैं। अब हमने यहाँ पर एरर कोड इक्वल्स टू ग्राफ रिजल्ट, जैसे हमारी एरर आई थी, अभी आगे हम कुछ प्रोग्राम करेंगे उसमें भी एरर आएगी, मैं हाथ करके कुछ एरर लाऊंगी तो आपको उससे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप की एरर जो है वो ग्राफिक्स में जनरेट होती है जब आप कौन कौन सी गलतियां करते हो और आपको वो गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताऊंगी आगे चल के भी, तो आपको ये कोड समझ में आ जाएगा कि एरर कोड जो है आपका रिजल्ट जो मतलब ग्राफिक के फॉर्म में जो रिजल्ट आना चाहिए, यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो क्या एरर आती है, उस एरर को आप रिमूव कैसे करेंगे, सब कुछ इनबिल्ट है, सब कुछ करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो मैंने आपको दो फंक्शन बताए थे एक्समैक्स और वाईमैक्स, इनकी आपने वहां पर आपने सिर्फ उनको डिफाइन किया था, यहाँ पर आपने उस वेरिएबल्स को बता दिया कि व्हाट इज एक्समैक्स व्हाट इज वाईमैक्स। तो जो एक्समैक्स है उसकी सामने लिखा है गेट मैक्सिमम एक्स, गेट मैक्सिमम एक्स जो है वो ग्राफिक्स का इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको स्क्रीन के रिजोल्यूशन की मैक्सिमम एक्स की वैल्यू बताता है, और उसके नीचे गेट मैक्स वाई एक फंक्शन है जो आपको स्क्रीन के रिजोल्यूशन की मैक्सिमम वाई की वैल्यू बताता है। ठीक है, तो ये आपका एक्समैक्स और वाईमैक्स हो गया। देखो एक्समैक्स वाईमैक्स मैंने भी आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया, लेकिन वो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन नहीं है, जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, गेट मैक्स एक्स और गेट मैक्स वाई। तो आपने एक डायगोनल लाइन बनाई, मैंने ये चीज आपको समझा दी थी कि लाइन जब भी आपको बनाना है तो उसमें चार कोऑर्डिनेट लगेंगे, x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पर आपको डायगोनल लाइन बनी है, मतलब आपने x1 की वैल्यू ली है 0, y1 की वैल्यू भी ली है 0, x2 की वैल्यू ली है xmax और y2 की वैल्यू ली है ymax, इसलिए आपको जो रिजल्ट आया है वो डायगोनल लाइन आपको दिख रही है। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch लगाएंगे। आपने ग्राफ को इनिशियलाइज किया था, इनिट ग्राफ, आपने ग्राफ को इनिशियलाइज किया था, जो भी आप ग्राफ को इनिशियलाइज करेंगे आपकी ड्यूटी है कि उस ग्राफ को आप लास्ट में क्लोज भी करेंगे, दैट इज क्लोज ग्राफ इज कंपल्सरी टू राइट एंड देन यू हैव टू क्लोज दी प्रोग्राम, आपको बंद करना है प्रोग्राम को। ठीक है, प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। xmax और ymax की वैल्यू जो है वो गेट मैक्सिमम x है, गेट मैक्सिमम y है। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैडम हमें पता यदि करना है कि गेट मैक्स और ymax क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखो अपन पता करके देखते हैं। सी आउट एंटर enter the value of get max x, मतलब जो भी get max x की value है आपको वो पता लग जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, get max x का function, get max x, क्योंकि get maximum function जो है वही आपको x की maximum value जो है वो provide करेगा। ठीक है, इसको copy कर लीजिए और यहाँ पर इसको paste कर दीजिए।
अब यहाँ पर सेकेंड लाइन में लिख देंगे गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, इससे आपको स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है वो पता चल जाएगा, गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अब एक्स मैक्स और वाई मैक्स तो आपने यूज नहीं किया है, आपने डायरेक्टली यूज किया है, इसको आप कमेंट कर दीजिए ताकि एरर नहीं आए, और ऊपर जो है हम आईओ स्ट्रीम डॉट एच लगा देते हैं ताकि एरर नहीं आए सी आउट लगाने के कारण। पहले प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम को रन करेंगे। आया रिजल्ट? आर यू एबल टू सी? यस मैम। यस मैम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेट मैक्स एक्स? 639. स्टैंडर्ड होता है आपका 640x480, या पे स्टैंडर्ड स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है। तो 640x480 इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्क्रीन है अभी करंट, उसका जो रिजोल्यूशन है वो 640x480 है, मतलब 640 कॉलम्स इन एक्स डायरेक्शन एंड y, सॉरी जो आपका y है उस पे कितनी लाइंस रहेगी? 480। ठीक बात आपके समझ में? तो इस getmax x और getmax y से आप क्या समझ सकते हो? इससे आप ये समझ सकते हो कि मेरी स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन क्या है। तो getmax x और getmax y जो इनबिल्ट फंक्शन है उसके थ्रू आप स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है वो पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया कि अभी तो आपकी लाइन डायगोनल बन रही है 0-0 से एक्स मैक्स वाई मैक्स तक, बट यदि मुझे आपको प्लस साइन बनाना है, इफ आई वांट टू मेक लाइक दिस अ प्लस साइन, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? कैन एनीबॉडी टेल मी? यदि मुझे इस तरह की, मुझे ये वाली लाइन नहीं बनानी है डायगोनल लाइन, ठीक है, मुझे यदि इस तरह की प्लस साइन बनाना है तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? एक कोऑर्डिनेट तो ये होगा ऊपर वाला, एक कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, मतलब इसको मैं नाम दे देती हूँ ए कोऑर्डिनेट, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट मेरा ये वाला रहेगा विच विल बी सी, और एक कोऑर्डिनेट मेरा ये वाला रहेगा विच विल बी डी। मतलब मुझे दो लाइन बनानी पड़ेगी, एक लाइन पहली लाइन वन और दूसरी लाइन टू, और इसमें चार कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएंगे और चार कोऑर्डिनेट मेरे। व्हाट विल बी दोस कोऑर्डिनेट? ए बी के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा मुझे? व्हाट विल बी दी कोऑर्डिनेट्स फॉर ए बी? x x by 2, 0। कौन ने बताया बेटा, पहले नाम बताओ। x by 2, 0। अरुण। अरुण, हाँ क्या बताया आपने? x by 2, very good, comma 0, very good, comma 0, why? क्योंकि ये x का 0 है, ये x का maximum है, आपको जस्ट इसके हाफ से लाइन बनाना शुरू करना है, इसलिए ये वाला पॉइंट में x कोऑर्डिनेट x max होगा। और मैंने बताया था कि इस पूरी स्क्रीन पे टॉप साइड पे y हमेशा क्या रहता है? 0, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब यदि b पॉइंट जज करना है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b कोऑर्डिनेट? y अभी यहाँ पर 0 था, नीचे आते आते y की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा? y का मैक्सिमम। आपका जो x की वैल्यू है वो जस्ट हाफ पर है, मतलब x की वैल्यू रहेगी x max डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? यस मैम। x max डिवाइडेड बाय 2।
सिमिलरली सी का कौन बताएगा? जीरो कॉमा वाई मैक्स बाय टू. पर बताया था मैंने कि x की वैल्यू लेफ्ट साइड में क्या रहती है हमेशा? जीरो. जीरो. यहाँ पर y का जस्ट हाफ है तो y max अपॉन टू. यस वेरी गुड. और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d में भी y का y मैम x डिवाइडेड बाय 2 रहेगा क्योंकि अब y हाफ करो. लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी? x max. देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? जीरो है. जीरो. इधर x डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते x की वैल्यू क्या हो गई? max. ये वाला पॉइंट होगा x max comma y max by 2. क्लियर है आपको? यस मैम. यस मैम. चलिए. यस मैम. वेरी गुड वेरी गुड. आप यदि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में ध्यान देंगे तो आपको 100% आई एम श्योर कि आपको बहुत इजी लगेंगे ग्राफिक्स से प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग भी लगेंगे इवन. राइट. चलो अब अपन इसको वापस से देखो. रिजोल्यूशन तो मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था. अपन रिजोल्यूशन को कमेंट कर देते हैं, है ना. चलिए अब मैंने जो लाइन है अभी जो अपन ने डिस्कस किया फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं बनाते बनाते. पहले मुझे ए बी लाइन बनानी है तो ए बी में जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 2 रहेगी क्योंकि उसका जस्ट हाफ है. और ऊपर की डायरेक्शन में जो y है वो हमेशा 0 रहता है. नीचे आऊंगी y की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी इसलिए y max होगा. लेकिन y हमेशा पीछे की साइड लिखते हैं तो कॉमा लगा के यहाँ पर x की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी. दैट इज x max डिवाइडेड बाय 2. ठीक. इसको आप f2 करके सेव कर लीजिए. कंपाइल करेंगे आपका प्लस साइन बन एक ए बी लाइन बन गई. क्लियर. अब वैसे आपको सिमिलरली दूसरी लाइन बनानी है तो दूसरी लाइन बनाने के लिए अगेन आप एक और लाइन लेंगे. अब यहाँ पर y की x की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी और जो y रहेगा वो y max divided by 2 रहेगा. और आगे जैसे 0 से हम फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे x की वैल्यू जो है वो क्या पहुंच जाएगी? मैक्सिमम. और जो y की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी दैट इज y max divided by 2. सेमी कॉलन लगा देंगे इसको सेव कर देंगे कंट्रोल एफ लाइन कर देंगे. बन गया हमारा प्लस साइन. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस 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 मैम. किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे आप लोग पूछ लीजिए. किसी को भी डाउट नहीं है? कितने एक बार और बताओ. 26 स्टूडेंट है. एक को भी डाउट नहीं है. इतना क्लियर है. चलिए बहुत अच्छी बात है. मैम बता दीजिए. मैं उनको बता दीजिए. क्या बता दूं? देखो फिर से बता देते हैं. अभी स्क्रीन पे बता देते हैं. देखो ये हमारा x का 0 है. ये हमारा x का मैक्सिमम है. मतलब इस पॉइंट पर जो x रहेगा वो क्या रहेगा? हाफ. सही बोल रही हूँ? क्योंकि इन दोनों का जस्ट वो मिडिल है. यहाँ पर मेरा जो y है वो 0 है. यहाँ पर मेरा y है वो नीचे आके मैक्सिमम हो गया क्योंकि अभी मैंने बताया ऊपर से जब नीचे आते हैं तो y की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती जाती है. ऊपर से जब नीचे आते हैं तो y की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती जाती है. तो इस केस में ये वाला पॉइंट रहेगा. यहाँ पर जो y रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? आपका हाफ रहेगा. अभी आ रहे हो डायरेक्ट. अच्छा यहाँ पर जो y है वो हमेशा क्या रहेगा? हाफ रहेगा. क्लियर है आपको? Yes. अभी समझ में आया? जिसने भी मुझसे पूछा था सिमिलर मैनर में आपको काम जो है वो करना है. अभी देखो मैं और अच्छे से आपको एक अभी अपन आगे क्या करने वाले हैं मैं ये बताती हूँ. देखो एक डायगोनल लाइन हमने यहाँ से म्यूट योरसेल्फ. कौन म्यूट योरसेल्फ? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. देखो एक लाइन डायगोनल हम ऑलरेडी बना चुके थे जिसमें हमने 0 हमने शो किया था और आप लोगों के फोन में चल रहा है क्या? फोन में चल रहा है क्या? चलिए मैं बाद में बताती हूँ. आज रिजॉइन करिए क्लास टाइम खत्म हो गया है. मैं एक बार अटेंडेंस ले लूँ. जस्ट वेट. हाँ लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.